हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से एयर टूडे में। आज हम डिस्कस करने वाले स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक में आज के दिन 4.65 रुपए की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक 3.5% के करीबन का पॉजिटिव मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में नीचे का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था 170 रुपीज। 170 रुपीज इस पॉइंट पर स्टॉक में एक सपोर्ट लेवल था और यहां से स्टॉक में एक वन वे रैली बनती हुई नजर आई, जहां पर स्टॉक का टॉप बना 150 रुपीज का। 150 रुपीज के इस पॉइंट पर स्टॉक ने एक टॉप बनाया। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर स्टॉक ने 170 रुपीज के प्राइस को रीटेस्ट किया था और यहां से स्टॉक के अंदर अब एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक में ऊपर एक रुकावट रेंज था 133 रुपीज पर। 133 रुपीज के स्टॉक ने एक हाई बनाया था। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में करेक्शन देखने को मिली, जहां पर स्टॉक ने 121 रुपीज के प्राइस को रिटेस्ट करता है और यहां से स्टॉक के अंदर एक बड़े वॉल्यूम के साथ स्टॉक के प्राइस में भी एक उछाल देखने को मिल रहेगा। और स्टॉक का जो पिछला हाई तो 133 रुपीज शॉर्ट टर्म में, उस प्राइस को स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया और स्टॉक में यहां से एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। अगर आप इस स्टॉक में एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 133 रुपीज के एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 165 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।